हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यन आईटीआई ट्रेड स्पेशल पे स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी साथियों को। आज जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो माइक्रोमीटर का होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझ लीजिए, माइक्रोमीटर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में और जो भी आपको क्वेरी रहेगा माइक्रोमीटर से, वो सभी आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। और माइक्रोमीटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चाहे वो आपका स्किल टेस्ट हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, सभी जगह जो है माइक्रोमीटर पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं पेपर में। तो चलिए आइए, जो है देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे लिस्ट अकाउंट निकाला जाता है माइक्रोमीटर का और कैसे जो है इसको हम चलाते हैं। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए आइए देखते हैं माइक्रोमीटर को। तो ये माइक्रोमीटर का आप सभी देख सकते हैं कि ये फिगर है। ठीक है, और चाहे वो आईटीआई का स्टूडेंट हो, चाहे डिप्लोमा, चाहे बीटेक का, सभी जगह जो है लैब में ये आपको मिलेंगे टूल। ठीक है, माइक्रोमीटर। ठीक है, हम पिछले वीडियो में वर्नियर कैलिपर जो है चर्चा किए थे, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। चलिए आइए देखते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। तो कभी कभी ये आईटीआई के पेपर में जो है फिगर पूछ देता है। ठीक है, फिगर बनाने के लिए दे देता है। ठीक, तो आइए देखते हैं माइक्रोमीटर है क्या। तो माइक्रोमीटर जो है ये हमारा देख सकते हैं माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, थिम्बल होता है। ठीक है, ये हमारा रैचेट है। ठीक है, और ये हमारा स्पेंडल है। ठीक, ये हमारा एनविल है जो सी टाइप में है। ठीक है, जो इस पे एनविल पे ही हमारे माइक्रोमीटर का साइज लिखा होता है, जैसे कि 0 से 25, 25 से 50। ठीक है, ऐसे साइज लिखा रहता है। लॉक नट है, डेटम लाइन जो है। ठीक है, और आइए और आगे देखते हैं हम जो है माइक्रोमीटर के बारे में और। ठीक है, तो माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है वो स्क्रू थ्रेड के लीड व पिच के सिद्धांत पे हमारा काम करता है। किस पे? स्क्रू थ्रेड के लीड व पिच के जो है सिद्धांत पे जो है हमारा जो इसका प्रिंसिपल होता है माइक्रोमीटर का, वो क्या होता है, स्क्रू थ्रेड के लीड व पिच के सिद्धांत पे जो है हमारा माइक्रोमीटर काम करता है। ठीक है, नट व बोल्ट के सिद्धांत पर। ठीक है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पे जो है हमारा माइक्रोमीटर काम करता है। ठीक है, इसका एक प्रिंसिपल है। ठीक है, पेपर में बनता है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है या प्रिंसिपल क्या है, तो नट और बोल्ट या स्क्रू या पिच के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, माइक्रोमीटर का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था और किसने किया था। ठीक है, तो माइक्रोमीटर का जो आविष्कार हुआ था वो जिम पामर ने किए थे। ठीक है, और कब किया था, 1947 ईस्वी में। कब किए थे, ओ सॉरी, 1848 ईस्वी में। ठीक है, 1848 ईस्वी में जिम पामर ने माइक्रोमीटर का आविष्कार किया था। ठीक है, और यदि किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर की जो रेंज होती है, माइक्रोमीटर का आविष्कार बता दिए जिम पामर किए थे, और आविष्कार जो हुआ था वो कब हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था। किस सन में हुआ था, 1848 में। ठीक है, माइक्रोमीटर की जो रेंज होती है, प्रायः जो माइक्रोमीटर की रेंज होती है वो कितनी होती है, तो माइक्रोमीटर की जो रेंज होती है वो 25 mm मैट्रिक में जो है से स्टार्ट होती है, और ब्रिटिश में 1 इंच के रेंज से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, माइक्रोमीटर की बनावट की अगर हम बात करें तो जो इसका फ्रेम होता है माइक्रोमीटर का वो कास्ट स्टील का बना रहता है। ठीक है, स्पेंडल जो होता है वो क्रोमियम स्टील का बना रहता है, और स्लीव जो होता है वो क्रोमियम स्टील का बना रहता है, और एनविल जो होता है वो भी क्रोमियम स्टील का बना होता है, और थिम्बल जो होता है दोस्तों वो क्रोमियम स्टील का बना रहता है। किसका? क्रोमियम स्टील का बना रहता है थिम्बल। रैचेट स्टाफ की अगर बात करें तो ये क्या करता है, प्रेशर को जो है कंट्रोल करता है हमारा रैचेट स्टाफ। ठीक है, रैचेट स्टाफ पे जो थ्रेड बनी होती है वो बटरेस थ्रेड होती है। बटरेस थ्रेड का एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है। ठीक है,
डाउट कुछ भी नहीं रहना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो रैचेट स्टाफ हमारा क्या काम करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। जैसे हम माप लेते हैं तो चिटिर चिटिर की आवाज, जब माइक्रोमीटर आप चलाएंगे तो जब हम कसते हैं रैचेट स्टाफ को, जब अधिक को मतलब उससे ज्यादा नहीं जॉब को माप सकता है तो आवाज आने लगती है, किटकिट की आवाज आती है, तो जो है हम समझ जाते हैं कि बस इससे ज्यादा हम जो है टाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रैचेट स्टाफ हमारा प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और लॉक नट का जो है क्या काम है, और रीडिंग लेने के बाद जो है लॉक नट हमारा क्या काम करता है, लॉक नट हमारा लॉक नट हमारा क्या काम करता है, रीडिंग लेने के बाद जो है स्पिंडल को लॉक करने के लिए, इस रीडिंग लेने, जैसे हमने इसकी रीडिंग ले ली, ठीक है, तो इसको जो है रीडिंग लेने के बाद लॉक करने के लिए, ठीक है। ये जो है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा जो है आउटर डायमीटर जो है ये माप लेगा, ठीक है ना, न कि इंटरनल लेगा, ठीक है। आउटर डायमीटर की माप हम आउटसाइड माइक्रोमीटर से माप सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, तो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो माइक्रोमीटर का एक देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा थिम्बल है, ठीक है, ये डेटम लाइन है, ठीक है। तो डेटम लाइन पे जो ग्रेजुएशन बने हुए हैं, और ऊपर देख सकते हैं आप ये जो मेन स्केल डिवीजन पे जो ग्रेजुएशन होता है वो 1 mm में बना होता है, ठीक है, और सब डिवीजन में जो ग्रेजुएशन होते हैं वो इसका आधा होता है, ठीक है, 0.5 होता है, ठीक है। और यदि हम थिम्बल को एक चक्कर घुमाते हैं, एक रोटेट घुमाते हैं, तो कितना घूमता है, 0.5 mm घूमता है, ठीक है ना। जैसे कि ये 45 हो गया तो अगली क्या आएगी, 50 आएगी, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है 1 mm = 1 mm, 1 sub division = 0.5 mm, और एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है, 0.01 mm हो जाता है, ठीक है। और लिस्ट काउंट निकालने के लिए जो फार्मूला हमने बताया है आप सभी को, ये है ये फार्मूला, ठीक है, लिस्ट काउंट बराबर माइक्रोमीटर का पिच बटे कुल थिम्बल डिवीजन, ठीक है। इस पे जो है हम क्या करते हैं, जो भी रहता है हमारा या क्वेश्चन कोई बनता है उस पे हम इस वैल्यू को रख करके और लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, और जो है देख सकते हैं आप सभी, ये लिस्ट काउंट बराबर पिच बटे थिम्बल डिवीजन, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ दिखाया भी है निकाल करके, लिस्ट काउंट बराबर यहाँ दिखाए 0.5 mm, ठीक है, इसका पिच जो होता है वो 0.5 mm होता है, और जो आपका थिम्बल जो है वो 50 × 10 कर देंगे, और जो है यहाँ से हम ऐसे करके और साल्व कर लेंगे, देख सकते हैं साल्व करके जो है, और लिस्ट काउंट आपका आ जाएगा कितना, 0.01 mm, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट आपका आ जाएगा 0.01 mm, ठीक है। जहां तक हमको लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। यदि अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था माइक्रोमीटर का, जो कि आप सभी को हमने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया, और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मिलते हैं आप सभी से। आज के लिए बस इतना ही, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।